कांकेर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांकेर के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है, इसके लिए जवानों को बधाई देता हूँ। नक्सलियों से वार्ता को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बार बार हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर सकते हैं। सीएम होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूँ कि शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। कवर्धा में दिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हर चीज में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ठीक बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को काल्पनिक कहा, ये घटना तो उनके ही प्रदेश की है, कैसे उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये मुठभेड़ अगर फर्जी है तो प्रमाणित करें और सबूत दें। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है, शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे जिसे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को उनके साहस के लिए नमन करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं।